दोस्तों, अगर आप भी कल की मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल की मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी हाल ही में तो रिलीज नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों ये मूवी रिलीज कर दी जाएगी 27 जून 2024 को। जी हाँ दोस्तों, 27 जून 2024 को ये मूवी आपके निजी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये एक साईफाई एंड एक्शन मूवी कल की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों नाग अश्विन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इतने बड़े डायरेक्टर दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्रभास है, कमल हासन है, अमिताभ बच्चन है, दीपिका पादुकोण है, दुलकुएर सलमान है, दिशा पटानी, राणा दग्गुबाटी, अन्ना बेन नयाबरलम, शाश्वता चटर्जी, कीर्ति सुरेश, अनंत विधात शर्मा, हिमांशु जेकर, कमल सदाना, मांडवा साई कुमार, पशुपति, गौरव चोपड़ा, ब्रह्मानंदम, प्रभा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं रहने वाली है। मूवी की दोस्तों कुल टाइम लेंथ रहने वाली है 2 घंटे 50 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 600 करोड़ के आसपास में दोस्तों ये मूवी बनाई जा रही है, तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं इस मूवी में 600 करोड़ के आसपास का बजट लगाया जा रहा है, तो ये किस तरह की मूवी होने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी के दोस्तों ट्रेलर्स भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स निकाल के ला रहे हैं, दोस्तों लोग बाग मूवी के ट्रेलर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। फरवरी 2020 में पहली बार घोषित की गई कल्कि के निर्माण को कोविड-19 महामारी के कारण एक साल की देरी का सामना करना पड़ा। फिल्मांकन अत्यंत जुलाई 2021 में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक भविष्य के सेट पर शुरू हुआ और मार्च 2024 में समाप्त होने से पहले अगले 3 वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से जारी रहा। 600 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी कल्कि सबसे महंगी भारतीय फिल्में से एक होने वाली है। इसका संगीत संतोष नारायणन ने दिया है, छायांकन जोडेर्ज स्टोजिल कोविक ने किया है, प्रोडक्शन डिजाइन नितिन जियानी चौधरी ने किया है और संपादन कोटागिरी वेंकटेश राव ने किया है। कल मूवी को शुरू में 9 मई 2024 को रिलीज किया जा रहा था दोस्तों, लेकिन 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण स्थगित कर दिया गया। अब इसे 27 जून 2024 को आईमैक्स और अन्य फिल्म प्रोपोरों में दुनिया भर के एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी दोस्तों
27 जून को आपके निजी सिनेमाघरों में मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े कलाकार भी देखने को मिलने वाले हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को दोस्तों निजी सिनेमाघरों में जाकर एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कल की मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल की मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी हाल ही में तो रिलीज नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों ये मूवी रिलीज कर दी जाएगी 27 जून 2024 को। जी हाँ दोस्तों 27 जून 2024 को ये मूवी आपके निजी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये एक साईफाई एंड एक्शन मूवी कल की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों नाग अश्विन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इतने बड़े डायरेक्टर दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्रभास है, कमल हासन है, अमिताभ बच्चन है, दीपिका पादुकोण है, दुलकुएर सलमान है, दिशा पटानी, राणा दग्गुबाटी, अन्ना बेन नयाबरलम, शाश्वता चटर्जी, कीर्ति सुरेश, अनंत विधात शर्मा, हिमांशु जेकर, कमल सदाना, मांडवा साई कुमार, पशुपति, गौरव चोपड़ा, ब्रह्मानंदम, प्रभा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन है इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं रहने वाली है। मूवी की दोस्तों कुल टाइम लेंथ रहने वाली है 2 घंटे 50 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 600 करोड़ के आसपास में दोस्तों ये मूवी बनाई जा रही है, तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं इस मूवी में 600 करोड़ के आसपास का बजट लगाया जा रहा है, तो ये किस तरह की मूवी होने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी के दोस्तों ट्रेलर्स भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स निकाल के ला रहे हैं, दोस्तों लोग बाग मूवी के ट्रेलर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। फरवरी 2020 में पहली बार घोषित की गई कल्कि के निर्माण को कोविड-19 महामारी के कारण एक साल की देरी का सामना करना पड़ा। फिल्मांकन अत्यंत जुलाई 2021 में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक भविष्य के सेट पर शुरू हुआ और मार्च 2024 में समाप्त होने से पहले अगले 3 वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से जारी रहा।
600 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी कल्कि सबसे महंगी भारतीय फिल्में से एक होने वाली है। इसका संगीत संतोष नारायणन ने दिया है, छायांकन जोडेर्ज स्टोजिल कोविक ने किया है, प्रोडक्शन डिजाइन नितिन जियानी चौधरी ने किया है और संपादन कोटागिरी वेंकटेश राव ने किया है। कल मूवी को शुरू में 9 मई 2024 को रिलीज किया जा रहा था दोस्तों, लेकिन 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण स्थगित कर दिया गया। अब इसे 27 जून 2024 को आईमैक्स और अन्य फिल्म प्रोपोरों में दुनिया भर के एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी दोस्तों 27 जून को आपके निजी सिनेमाघरों में मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर इस मूवी को एक बार तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े कलाकार भी देखने को मिलने वाले हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को दोस्तों निजी सिनेमाघरों में जाकर एक बार ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कल की मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल की मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी हाल ही में तो रिलीज नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों ये मूवी रिलीज कर दी जाएगी 27 जून 2024 को। जी हाँ दोस्तों, 27 जून 2024 को ये मूवी आपके निजी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये एक साईफाई एंड एक्शन मूवी कल की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों नाग अश्विन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इतने बड़े डायरेक्टर दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्रभास, कमल हासन, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, दुलकुएर सलमान, दिशा पटानी, राणा दग्गुबाटी, अन्ना बेन नयाबरलम, शाश्वता चटर्जी, कीर्ति सुरेश, अनंत विधात शर्मा, हिमांशु जेकर, कमल सदाना, मांडवा साई कुमार, पशुपति, गौरव चोपड़ा, ब्रह्मानंदम, प्रभा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं रहने वाली है। मूवी की दोस्तों कुल टाइम लेंथ रहने वाली है 2 घंटे 50 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा।
और दोस्तों 600 करोड़ के आसपास में दोस्तों ये मूवी बनाई जा रही है। तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं, इस मूवी में 600 करोड़ के आसपास का बजट लगाया जा रहा है, तो ये किस तरह की मूवी होने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी के दोस्तों ट्रेलर्स भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स निकाल के ला रहे हैं। दोस्तों लोग बाग मूवी के ट्रेलर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। फरवरी 2020 में पहली बार घोषित की गई कल्कि के निर्माण को कोविड-19 महामारी के कारण एक साल की देरी का सामना करना पड़ा। फिल्मांकन अत्यंत जुलाई 2021 में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक भविष्य के सेट पर शुरू हुआ और मार्च 2024 में समाप्त होने से पहले अगले 3 वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से जारी रहा। 600 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी कल्कि सबसे महंगी भारतीय फिल्में से एक होने वाली है। इसका संगीत संतोष नारायणन ने दिया है, छायांकन जोडेर्ज स्टोजिल कोविक ने किया है, प्रोडक्शन डिजाइन नितिन जियानी चौधरी ने किया है और संपादन कोटागिरी वेंकटेश राव ने किया है। कल मूवी को शुरू में 9 मई 2024 को रिलीज किया जा रहा था दोस्तों, लेकिन 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण स्थगित कर दिया गया। अब इसे 27 जून 2024 को आईमैक्स और अन्य फिल्म प्रोपोरों में दुनिया भर के एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी दोस्तों 27 जून को आपके निजी सिनेमाघरों में मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े कलाकार भी देखने को मिलने वाले हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को दोस्तों निजी सिनेमाघरों में जाकर एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कल्कि मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल्कि मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी हाल ही में तो रिलीज नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों ये मूवी रिलीज कर दी जाएगी 27 जून 2024 को। जी हाँ दोस्तों 27 जून 2024 को ये मूवी आपके निजी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये एक साईफाई एंड एक्शन मूवी कल्कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों नाग अश्विन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इतने बड़े डायरेक्टर दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्रभास, कमल हासन, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, दुलकुएर सलमान, दिशा पटानी, राणा दग्गुबाटी, अन्ना बेन नयाबरलम, शाश्वता चटर्जी, कीर्ति सुरेश, अनंत विधात शर्मा, हिमांशु जेकर, कमल सदाना, मांडवा साई कुमार, पशुपति, गौरव चोपड़ा,
ब्रह्मानंद में प्रभा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन है इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं रहने वाली है। मूवी की दोस्तों कुल टाइम लेंथ रहने वाली है 2 घंटे 50 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 600 करोड़ के आसपास में दोस्तों ये मूवी बनाई जा रही है। तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं इस मूवी में 600 करोड़ के आसपास का बजट लगाया जा रहा है, तो ये किस तरह की मूवी होने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी के दोस्तों ट्रेलर्स भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स निकाल के ला रहे हैं। दोस्तों लोग बाग मूवी के ट्रेलर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। फरवरी 2020 में पहली बार घोषित की गई कल्कि के निर्माण को COVID-19 महामारी के कारण 1 साल की देरी का सामना करना पड़ा। फिल्मांकन अत्यंत जुलाई 2021 में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक भविष्य के सेट पर शुरू हुआ और मार्च 2024 में समाप्त होने से पहले अगले 3 वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से जारी रहा। 600 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी कल्कि सबसे महंगी भारतीय फिल्में से एक होने वाली है। इसका संगीत संतोष नारायणन ने दिया है, छायांकन जोडेर्ज स्टोजिल कोविक ने किया है, प्रोडक्शन डिजाइन नितिन जियानी चौधरी ने किया है और संपादन कोटागिरी वेंकटेश राव ने किया है। कल मूवी को शुरू में 9 मई 2024 को रिलीज किया जा रहा था दोस्तों, लेकिन 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण स्थगित कर दिया गया। अब इसे 27 जून 2024 को आईमैक्स और अन्य फिल्म प्रोपोरों में दुनिया भर के एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी दोस्तों 27 जून को आपके निजी सिनेमाघरों में मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े कलाकार भी देखने को मिलने वाले हैं। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को दोस्तों निजी सिनेमाघरों में जाकर एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कल्कि मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल्कि मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी हाल ही में तो रिलीज नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों ये मूवी रिलीज कर दी जाएगी 27 जून 2024 को। जी हाँ दोस्तों 27 जून 2024 को ये मूवी आपके निजी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये एक साईफाई एंड एक्शन मूवी कल्कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों नाग अश्विन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इतने बड़े डायरेक्टर दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा।
बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्रभास है, कमल हासन है, अमिताभ बच्चन है, दीपिका पादुकोण है, दुलकुएर सलमान है, दिशा पटानी, राणा दग्गुबाटी, अन्ना बेन नयाबरलमम, शाश्वता चटर्जी, कीर्ति सुरेश, अनंत विधात शर्मा, हिमांशु जेकरे, कमल सदाना, मांडवा साई कुमार, पशुपति, गौरव चोपड़ा, ब्रह्मानंदम, प्रभा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन है इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं रहने वाली है। मूवी की दोस्तों कुल टाइम लेंथ रहने वाली है 2 घंटे 50 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 600 करोड़ के आसपास में दोस्तों ये मूवी बनाई जा रही है, तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं इस मूवी में 600 करोड़ के आसपास का बजट लगाया जा रहा है, तो ये किस तरह की मूवी होने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी के दोस्तों ट्रेलर्स भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स निकाल के ला रहे हैं, दोस्तों लोग बाग मूवी के ट्रेलर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। फरवरी 2020 में पहली बार घोषित की गई कल्कि के निर्माण को COVID-19 महामारी के कारण 1 साल की देरी का सामना करना पड़ा। फिल्मांकन अत्यंत जुलाई 2021 में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक भविष्य के सेट पर शुरू हुआ और मार्च 2024 में समाप्त होने से पहले अगले 3 वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से जारी रहा। 600 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी कल्कि सबसे महंगी भारतीय फिल्में से एक होने वाली है। इसका संगीत संतोष नारायणन ने दिया है, छायांकन जोडेर्ज स्टोजिल कोविक ने किया है, प्रोडक्शन डिजाइन नितिन जियानी चौधरी ने किया है और संपादन कोटागिरी वेंकटेश राव ने किया है। कल मूवी को शुरू में 9 मई 2024 को रिलीज किया जा रहा था दोस्तों, लेकिन 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण स्थगित कर दिया गया। अब इसे 27 जून 2024 को आईमैक्स और अन्य फिल्म प्रोपोरों में दुनिया भर के एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी दोस्तों 27 जून को आपके निजी सिनेमाघरों में मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े कलाकार भी देखने को मिलने वाले हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को दोस्तों निजी सिनेमाघरों में जाकर एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कल्कि मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल्कि मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है,
तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी हाल ही में तो रिलीज नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों ये मूवी रिलीज कर दी जाएगी 27 जून 2024 को। जी हाँ दोस्तों, 27 जून 2024 को ये मूवी आपके निजी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये एक साईफाई एंड एक्शन मूवी कल की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों नाग अश्विन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इतने बड़े डायरेक्टर दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्रभास है, कमल हासन है, अमिताभ बच्चन है, दीपिका पादुकोण है, दुलकुएर सलमान है, दिशा पटानी, राणा दग्गुबाटी, अन्ना बेन नयाबरलमम, शाश्वता चटर्जी, कीर्ति सुरेश, अनंत विधात शर्मा, हिमांशु जेकरे, कमल सदाना, मांडवा साई कुमार, पशुपति, गौरव चोपड़ा, ब्रह्मानंदम, प्रभा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं रहने वाली है। मूवी की दोस्तों कुल टाइम लेंथ रहने वाली है 2 घंटे 50 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 600 करोड़ के आसपास में दोस्तों ये मूवी बनाई जा रही है, तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं इस मूवी में 600 करोड़ के आसपास का बजट लगाया जा रहा है, तो ये किस तरह की मूवी होने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी के दोस्तों ट्रेलर्स भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स निकाल के ला रहे हैं, दोस्तों लोग बाग मूवी के ट्रेलर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। फरवरी 2020 में पहली बार घोषित की गई कल्कि के निर्माण को कोविड-19 महामारी के कारण 1 साल की देरी का सामना करना पड़ा। फिल्मांकन अत्यंत जुलाई 2021 में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक भविष्य के सेट पर शुरू हुआ और मार्च 2024 में समाप्त होने से पहले अगले 3 वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से जारी रहा। 600 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी कल्कि सबसे महंगी भारतीय फिल्में से एक होने वाली है। इसका संगीत संतोष नारायणन ने दिया है, छायांकन जोडेर्ज स्टोजिल कोविक ने किया है, प्रोडक्शन डिजाइन नितिन जियानी चौधरी ने किया है और संपादन कोटागिरी वेंकटेश राव ने किया है। कल मूवी को शुरू में 9 मई 2024 को रिलीज किया जा रहा था दोस्तों, लेकिन 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण स्थगित कर दिया गया। अब इसे 27 जून 2024 को आईमैक्स और अन्य फिल्म प्रोपोरों में दुनिया भर के एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी दोस्तों 27 जून को आपके निजी सिनेमाघरों में मूवी आपको देखने को मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े कलाकार भी देखने को मिलने वाले हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को दोस्तों निजी सिनेमाघरों में जाकर एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ,
और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कल की मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल की मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी हाल ही में तो रिलीज नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों ये मूवी रिलीज कर दी जाएगी 27 जून 2024 को। जी हाँ दोस्तों 27 जून 2024 को ये मूवी आपके निजी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये एक साईफाई एंड एक्शन मूवी कल की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों नाग अश्विन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इतने बड़े डायरेक्टर दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्रभास है, कमल हासन है, अमिताभ बच्चन है, दीपिका पादुकोण है, दुलकुएर सलमान है, दिशा पटानी, राणा दग्गुबाटी, अन्ना बेन नयाबरलमम, शाश्वता चटर्जी, कीर्ति सुरेश, अनंत विधात शर्मा, हिमांशु जेकरे, कमल सदाना, मांडवा साई कुमार, पशुपति, गौरव चोपड़ा, ब्रह्मानंदम, प्रभा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं रहने वाली है, मूवी की दोस्तों कुल टाइम लेंथ रहने वाली है 2 घंटे 50 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 600 करोड़ के आसपास में दोस्तों ये मूवी बनाई जा रही है, तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं इस मूवी में 600 करोड़ के आसपास का बजट लगाया जा रहा है, तो ये किस तरह की मूवी होने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी के दोस्तों ट्रेलर्स भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स निकाल के ला रहे हैं, दोस्तों लोग बाग मूवी के ट्रेलर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। फरवरी 2020 में पहली बार घोषित की गई कल्कि के निर्माण को कोविड-19 महामारी के कारण एक साल की देरी का सामना करना पड़ा। फिल्मांकन अत्यंत जुलाई 2021 में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक भविष्य के सेट पर शुरू हुआ और मार्च 2024 में समाप्त होने से पहले अगले 3 वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से जारी रहा। 600 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी कल्कि सबसे महंगी भारतीय फिल्में से एक होने वाली है। इसका संगीत संतोष नारायणन ने दिया है, छायांकन जोडेर्ज स्टोजिल कोविक ने किया है, प्रोडक्शन डिजाइन नितिन जियानी चौधरी ने किया है और संपादन कोटागिरी वेंकटेश राव ने किया है। कल मूवी को शुरू में 9 मई 2024 को रिलीज किया जा रहा था दोस्तों, लेकिन 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण स्थगित कर दिया गया।
अब इसे 27 जून 2024 को आईमैक्स और अन्य फिल्म प्रोपोरों में दुनिया भर के एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी दोस्तों 27 जून को आपके निजी सिनेमाघरों में मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर इस मूवी को एक बार तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े कलाकार भी देखने को मिलने वाले हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को दोस्तों निजी सिनेमाघरों में जाकर एक बार ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कल की मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल की मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी हाल ही में तो रिलीज नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों ये मूवी रिलीज कर दी जाएगी 27 जून 2024 को। जी हाँ दोस्तों 27 जून 2024 को ये मूवी आपके निजी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये एक साईफाई एंड एक्शन मूवी कल की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों नाग अश्विन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इतने बड़े डायरेक्टर दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्रभास है, कमल हासन है, अमिताभ बच्चन है, दीपिका पादुकोण है, दुलकुएर सलमान है, दिशा पटानी, राणा दग्गुबाटी, अन्ना बेन नयाबरलमम, शाश्वता चटर्जी, कीर्ति सुरेश, अनंत विधात शर्मा, हिमांशु जेकरे, कमल सदाना, मांडवा साई कुमार, पशुपति, गौरव चोपड़ा, ब्रह्मानंदम, प्रभा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन है इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं रहने वाली है। मूवी की दोस्तों कुल टाइम लेंथ रहने वाली है 2 घंटे 50 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 600 करोड़ के आसपास में दोस्तों ये मूवी बनाई जा रही है, तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं इस मूवी में 600 करोड़ के आसपास का बजट लगाया जा रहा है, तो ये किस तरह की मूवी होने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी के दोस्तों ट्रेलर्स भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स निकाल के ला रहे हैं, दोस्तों लोग बाग मूवी के ट्रेलर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। फरवरी 2020 में पहली बार घोषित की गई कल्की के निर्माण को कोविड-19 महामारी के कारण एक साल की देरी का सामना करना पड़ा। फिल्मांकन अत्यंत जुलाई 2021 में हैदराबाद
के रामोजी फिल्मी सिटी में एक भविष्य के सेट पर शुरू हुआ और मार्च 2024 में समाप्त होने से पहले अगले 3 वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से जारी रहा। 600 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी कल्कि सबसे महंगी भारतीय फिल्में से एक होने वाली है। इसका संगीत संतोष नारायणन ने दिया है, छायांकन जोडेर्ज स्टोजिल कोविक ने किया है, प्रोडक्शन डिजाइन नितिन जियानी चौधरी ने किया है और संपादन कोटागिरी वेंकटेश राव ने किया है। कल मूवी को शुरू में 9 मई 2024 को रिलीज किया जा रहा था दोस्तों, लेकिन 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण स्थगित कर दिया गया। अब इसे 27 जून 2024 को आईमैक्स और अन्य फिल्म प्रोपोरों में दुनिया भर के एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी दोस्तों 27 जून को आपके निजी सिनेमाघरों में मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर इस मूवी को एक बार तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े कलाकार भी देखने को मिलने वाले हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को दोस्तों निजी सिनेमाघरों में जाकर एक बार ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कल की मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल की मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी हाल ही में तो रिलीज नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों ये मूवी रिलीज कर दी जाएगी 27 जून 2024 को। जी हाँ दोस्तों, 27 जून 2024 को ये मूवी आपके निजी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये एक साईफाई एंड एक्शन मूवी कल की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों नाग अश्विन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इतने बड़े डायरेक्टर दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्रभास है, कमल हासन है, अमिताभ बच्चन है, दीपिका पादुकोण है, दुलकुएर सलमान है, दिशा पटानी, राणा दग्गुबाटी, अन्ना बेन नयाबरलमम, शाश्वता चटर्जी, कीर्ति सुरेश, अनंत विधात शर्मा, हिमांशु जेकर, कमल सदाना, मांडवा साई कुमार, पशुपति, गौरव चोपड़ा, ब्रह्मानंदम, प्रभा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं रहने वाली है। मूवी की दोस्तों कुल टाइम लेंथ रहने वाली है 2 घंटे 50 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा।
और दोस्तों 600 करोड़ के आसपास में दोस्तों ये मूवी बनाई जा रही है। तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं, इस मूवी में 600 करोड़ के आसपास का बजट लगाया जा रहा है, तो ये किस तरह की मूवी होने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी के दोस्तों ट्रेलर्स भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स निकाल के ला रहे हैं। दोस्तों लोग बाग मूवी के ट्रेलर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। फरवरी 2020 में पहली बार घोषित की गई कल्कि के निर्माण को कोविड-19 महामारी के कारण एक साल की देरी का सामना करना पड़ा। फिल्मांकन अत्यंत जुलाई 2021 में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक भविष्य के सेट पर शुरू हुआ और मार्च 2024 में समाप्त होने से पहले अगले 3 वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से जारी रहा। 600 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी कल्कि सबसे महंगी भारतीय फिल्में से एक होने वाली है। इसका संगीत संतोष नारायणन ने दिया है, छायांकन जोडेर्ज स्टोजिल कोविक ने किया है, प्रोडक्शन डिजाइन नितिन जियानी चौधरी ने किया है और संपादन कोटागिरी वेंकटेश राव ने किया है। कल मूवी को शुरू में 9 मई 2024 को रिलीज किया जा रहा था दोस्तों, लेकिन 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण स्थगित कर दिया गया। अब इसे 27 जून 2024 को आईमैक्स और अन्य फिल्म प्रोपोरों में दुनिया भर के एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी दोस्तों 27 जून को आपके निजी सिनेमाघरों में मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर इस मूवी को एक बार तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े कलाकार भी देखने को मिलने वाले हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को दोस्तों निजी सिनेमाघरों में जाकर एक बार ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कल्कि मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल्कि मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी हाल ही में तो रिलीज नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों ये मूवी रिलीज कर दी जाएगी 27 जून 2024 को। जी हाँ दोस्तों 27 जून 2024 को ये मूवी आपके निजी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये एक साईफाई एंड एक्शन मूवी कल्कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों नाग अश्विन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इतने बड़े डायरेक्टर दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्रभास है, कमल हासन है, अमिताभ बच्चन है, दीपिका पादुकोण है, दुलकुएर सलमान है, दिशा पटानी, राणा दग्गुबाटी, अन्ना बेन नयाबरलमम, शाश्वता चटर्जी, कीर्ति सुरेश, अनंत विधात शर्मा, हिमांशु जेकर, कमल सदाना, मांडवा साई कुमार, पशुपति, गौरव चोपड़ा, ब्रह्मानंदम,
प्रभा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन है इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं रहने वाली है। मूवी की दोस्तों कुल टाइम लेंथ रहने वाली है 2 घंटे 50 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 600 करोड़ के आसपास में दोस्तों ये मूवी बनाई जा रही है, तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं इस मूवी में 600 करोड़ के आसपास का बजट लगाया जा रहा है, तो ये किस तरह की मूवी होने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी के दोस्तों ट्रेलर्स भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स निकाल के ला रहे हैं। दोस्तों लोग बाग मूवी के ट्रेलर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। फरवरी 2020 में पहली बार घोषित की गई कल्कि के निर्माण को कोविड-19 महामारी के कारण एक साल की देरी का सामना करना पड़ा। फिल्मांकन अत्यंत जुलाई 2021 में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक भविष्य के सेट पर शुरू हुआ और मार्च 2024 में समाप्त होने से पहले अगले 3 वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से जारी रहा। 600 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी कल्कि सबसे महंगी भारतीय फिल्में से एक होने वाली है। इसका संगीत संतोष नारायणन ने दिया है, छायांकन जोडेर्ज स्टोजिल कोविक ने किया है, प्रोडक्शन डिजाइन नितिन जियानी चौधरी ने किया है और संपादन कोटागिरी वेंकटेश राव ने किया है। कल मूवी को शुरू में 9 मई 2024 को रिलीज किया जा रहा था दोस्तों, लेकिन 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण स्थगित कर दिया गया। अब इसे 27 जून 2024 को आईमैक्स और अन्य फिल्म प्रोपोरों में दुनिया भर के एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी दोस्तों 27 जून को आपके निजी सिनेमाघरों में मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर इस मूवी को एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े कलाकार भी देखने को मिलने वाले हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को दोस्तों निजी सिनेमाघरों में जाकर एक बार जरूर एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कल्कि मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल्कि मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी हाल ही में तो रिलीज नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों ये मूवी रिलीज कर दी जाएगी 27 जून 2024 को। जी हाँ दोस्तों 27 जून 2024 को ये मूवी आपके निजी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये एक साईफाई एंड एक्शन मूवी कल्कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों नाग अश्विन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं।
आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इतने बड़े डायरेक्टर दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्रभास है, कमल हासन है, अमिताभ बच्चन है, दीपिका पादुकोण है, दुलकुएर सलमान है, दिशा पटानी, राणा दग्गुबाटी, अन्ना बेन नयाबरलमम, शाश्वता चटर्जी, कीर्ति सुरेश, अनंत विधात शर्मा, हिमांशु जेकर, कमल सदाना, मांडवा साई कुमार, पशुपति, गौरव चोपड़ा, ब्रह्मानंदम, प्रभा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन है इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं रहने वाली है। मूवी की दोस्तों कुल टाइम लेंथ रहने वाली है 2 घंटे 50 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 600 करोड़ के आसपास में दोस्तों ये मूवी बनाई जा रही है, तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं इस मूवी में 600 करोड़ के आसपास का बजट लगाया जा रहा है, तो ये किस तरह की मूवी होने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी के दोस्तों ट्रेलर्स भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स निकाल के ला रहे हैं। दोस्तों लोग बाग मूवी के ट्रेलर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। फरवरी 2020 में पहली बार घोषित की गई कल्कि के निर्माण को कोविड-19 महामारी के कारण 1 साल की देरी का सामना करना पड़ा। फिल्मांकन अत्यंत जुलाई 2021 में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक भविष्य के सेट पर शुरू हुआ और मार्च 2024 में समाप्त होने से पहले अगले 3 वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से जारी रहा। 600 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी कल्कि सबसे महंगी भारतीय फिल्में से एक होने वाली है। इसका संगीत संतोष नारायणन ने दिया है, छायांकन जोडेर्ज स्टोजिल कोविक ने किया है, प्रोडक्शन डिजाइन नितिन जियानी चौधरी ने किया है और संपादन कोटागिरी वेंकटेश राव ने किया है। कल मूवी को शुरू में 9 मई 2024 को रिलीज किया जा रहा था दोस्तों, लेकिन 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण स्थगित कर दिया गया। अब इसे 27 जून 2024 को आईमैक्स और अन्य फिल्म प्रोपोरों में दुनिया भर के एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी दोस्तों 27 जून को आपके निजी सिनेमाघरों में मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े कलाकार भी देखने को मिलने वाले हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को दोस्तों निजी सिनेमाघरों में जाकर एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कल्कि मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल्कि मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है,
तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी हाल ही में तो रिलीज नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों ये मूवी रिलीज कर दी जाएगी 27 जून 2024 को। जी हाँ दोस्तों, 27 जून 2024 को ये मूवी आपके निजी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये एक साईफाई एंड एक्शन मूवी कल की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों नाग अश्विन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इतने बड़े डायरेक्टर दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्रभास है, कमल हासन है, अमिताभ बच्चन है, दीपिका पादुकोण है, दुलकुएर सलमान है, दिशा पटानी, राणा दग्गुबाटी, अन्ना बेन नयाबरलमम, शाश्वता चटर्जी, कीर्ति सुरेश, अनंत विधात शर्मा, हिमांशु जेकर, कमल सदाना, मांडवा साई कुमार, पशुपति, गौरव चोपड़ा, ब्रह्मानंदम, प्रभा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं रहने वाली है। मूवी की दोस्तों कुल टाइम लेंथ रहने वाली है 2 घंटे 50 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 600 करोड़ के आसपास में दोस्तों ये मूवी बनाई जा रही है, तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं इस मूवी में 600 करोड़ के आसपास का बजट लगाया जा रहा है, तो ये किस तरह की मूवी होने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी के दोस्तों ट्रेलर्स भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स निकाल के ला रहे हैं, दोस्तों लोग बाग मूवी के ट्रेलर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। फरवरी 2020 में पहली बार घोषित की गई कल्कि के निर्माण को कोविड-19 महामारी के कारण 1 साल की देरी का सामना करना पड़ा। फिल्मांकन अत्यंत जुलाई 2021 में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक भविष्य के सेट पर शुरू हुआ और मार्च 2024 में समाप्त होने से पहले अगले 3 वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से जारी रहा। 600 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी कल्कि सबसे महंगी भारतीय फिल्में से एक होने वाली है। इसका संगीत संतोष नारायणन ने दिया है, छायांकन जोडेर्ज स्टोजिल कोविक ने किया है, प्रोडक्शन डिजाइन नितिन जियानी चौधरी ने किया है और संपादन कोटागिरी वेंकटेश राव ने किया है। कल मूवी को शुरू में 9 मई 2024 को रिलीज किया जा रहा था दोस्तों, लेकिन 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण स्थगित कर दिया गया। अब इसे 27 जून 2024 को आईमैक्स और अन्य फिल्म प्रोपोरों में दुनिया भर के एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी दोस्तों 27 जून को आपके निजी सिनेमाघरों में मूवी आपको देखने को मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े कलाकार भी देखने को मिलने वाले हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को दोस्तों निजी सिनेमाघरों में जाकर एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ,
और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कल की मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल की मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी हाल ही में तो रिलीज नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों ये मूवी रिलीज कर दी जाएगी 27 जून 2024 को। जी हाँ दोस्तों, 27 जून 2024 को ये मूवी आपके निजी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये एक साईफाई एंड एक्शन मूवी कल की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों नाग अश्विन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, इन्हें बड़े डायरेक्टर दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्रभास है, कमल हासन है, अमिताभ बच्चन है, दीपिका पादुकोण है, दुलकुएर सलमान है, दिशा पटानी, राणा दग्गुबाटी, अन्ना बेन नयाबरलमम, शाश्वता चटर्जी, कीर्ति सुरेश, अनंत विधात शर्मा, हिमांशु जेकर, कमल सदाना, मांडवा साई कुमार, पशुपति, गौरव चोपड़ा, ब्रह्मानंदम, प्रभा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं रहने वाली है, मूवी की दोस्तों कुल टाइम लेंथ रहने वाली है 2 घंटे 50 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 600 करोड़ के आसपास में दोस्तों ये मूवी बनाई जा रही है, तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं इस मूवी में 600 करोड़ के आसपास का बजट लगाया जा रहा है, तो ये किस तरह की मूवी होने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, इस मूवी के दोस्तों ट्रेलर्स भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स निकाल के ला रहे हैं, दोस्तों लोग बाग मूवी के ट्रेलर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। फरवरी 2020 में पहली बार घोषित की गई कल्कि के निर्माण को कोविड-19 महामारी के कारण एक साल की देरी का सामना करना पड़ा। फिल्मांकन अत्यंत जुलाई 2021 में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक भविष्य के सेट पर शुरू हुआ और मार्च 2024 में समाप्त होने से पहले अगले 3 वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से जारी रहा। 600 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी कल्कि सबसे महंगी भारतीय फिल्में से एक होने वाली है, इसका संगीत संतोष नारायणन ने दिया है, छायांकन जोडेर्ज स्टोजिल कोविक ने किया है, प्रोडक्शन डिजाइन नितिन जियानी चौधरी ने किया है और संपादन कोटागिरी वेंकटेश राव ने किया है। कल मूवी को शुरू में 9 मई 2024 को रिलीज किया जा रहा था दोस्तों, लेकिन
2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण स्थगित कर दिया गया। अब इसे 27 जून 2024 को आईमैक्स और अन्य फिल्म प्रोपोरों में दुनिया भर के एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी दोस्तों 27 जून को आपके निजी सिनेमाघरों में मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े कलाकार भी देखने को मिलने वाले हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को दोस्तों निजी सिनेमाघरों में जाकर एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कल की मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल की मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी हाल ही में तो रिलीज नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों ये मूवी रिलीज कर दी जाएगी 27 जून 2024 को। जी हाँ दोस्तों, 27 जून 2024 को ये मूवी आपके निजी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये एक साईफाई एंड एक्शन मूवी कल की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों नाग अश्विन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इतने बड़े डायरेक्टर दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्रभास है, कमल हासन है, अमिताभ बच्चन है, दीपिका पादुकोण है, दुलकुएर सलमान है, दिशा पटानी, राणा दग्गुबाटी, अन्ना बेन नयाबरलमम, शाश्वता चटर्जी, कीर्ति सुरेश, अनंत विधात शर्मा, हिमांशु जेकर, कमल सदाना, मांडवा साई कुमार, पशुपति, गौरव चोपड़ा, ब्रह्मानंदम, प्रभा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं रहने वाली है। मूवी की दोस्तों कुल टाइम लेंथ रहने वाली है 2 घंटे 50 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 600 करोड़ के आसपास में दोस्तों ये मूवी बनाई जा रही है, तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं इस मूवी में 600 करोड़ के आसपास का बजट लगाया जा रहा है, तो ये किस तरह की मूवी होने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी के दोस्तों ट्रेलर्स भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स निकाल के ला रहे हैं, दोस्तों लोग बाग मूवी के ट्रेलर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। फरवरी 2020 में पहली बार घोषित की गई कल्कि के निर्माण को कोविड-19 महामारी के कारण एक साल की देरी का सामना करना पड़ा। फिल्मांकन अत्यंत जुलाई 2021 में हैदराबाद
कि रामोजी फिल्मी सिटी में एक भविष्य के सेट पर शुरू हुआ और मार्च 2024 में समाप्त होने से पहले अगले 3 वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से जारी रहा। 600 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी कल्कि सबसे महंगी भारतीय फिल्में से एक होने वाली है। इसका संगीत संतोष नारायणन ने दिया है, छायांकन जोडेर्ज स्टोजिल कोविक ने किया है, प्रोडक्शन डिजाइन नितिन जियानी चौधरी ने किया है और संपादन कोटागिरी वेंकटेश राव ने किया है। कल मूवी को शुरू में 9 मई 2024 को रिलीज किया जा रहा था दोस्तों, लेकिन 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण स्थगित कर दिया गया। अब इसे 27 जून 2024 को आईमैक्स और अन्य फिल्म प्रोपोरों में दुनिया भर के एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी दोस्तों 27 जून को आपके निजी सिनेमाघरों में मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर इस मूवी को एक बार तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े कलाकार भी देखने को मिलने वाले हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को दोस्तों निजी सिनेमाघरों में जाकर एक बार ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कल्कि मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल्कि मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी हाल ही में तो रिलीज नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों ये मूवी रिलीज कर दी जाएगी 27 जून 2024 को। जी हाँ दोस्तों, 27 जून 2024 को ये मूवी आपके निजी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये एक साईफाई एंड एक्शन मूवी कल्कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों नाग अश्विन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इतने बड़े डायरेक्टर दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्रभास, कमल हासन, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, दुलकुएर सलमान, दिशा पटानी, राणा दग्गुबाटी, अन्ना बेन नयाबरलम, शाश्वता चटर्जी, कीर्ति सुरेश, अनंत विधात शर्मा, हिमांशु जेकर, कमल सदाना, मांडवा साई कुमार, पशुपति, गौरव चोपड़ा, ब्रह्मानंदम, प्रभा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं रहने वाली है। मूवी की दोस्तों कुल टाइम लेंथ रहने वाली है 2 घंटे 50 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा।
और दोस्तों 600 करोड़ के आसपास में दोस्तों ये मूवी बनाई जा रही है। तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं, इस मूवी में 600 करोड़ के आसपास का बजट लगाया जा रहा है, तो ये किस तरह की मूवी होने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी के दोस्तों ट्रेलर्स भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स निकाल के ला रहे हैं। दोस्तों लोग बाग मूवी के ट्रेलर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। फरवरी 2020 में पहली बार घोषित की गई कल्कि के निर्माण को कोविड-19 महामारी के कारण एक साल की देरी का सामना करना पड़ा। फिल्मांकन अत्यंत जुलाई 2021 में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक भविष्य के सेट पर शुरू हुआ और मार्च 2024 में समाप्त होने से पहले अगले 3 वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से जारी रहा। 600 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी कल्कि सबसे महंगी भारतीय फिल्में से एक होने वाली है। इसका संगीत संतोष नारायणन ने दिया है, छायांकन जोडेर्ज स्टोजिल कोविक ने किया है, प्रोडक्शन डिजाइन नितिन जियानी चौधरी ने किया है और संपादन कोटागिरी वेंकटेश राव ने किया है। कल मूवी को शुरू में 9 मई 2024 को रिलीज किया जा रहा था दोस्तों, लेकिन 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण स्थगित कर दिया गया। अब इसे 27 जून 2024 को आईमैक्स और अन्य फिल्म प्रोपोरों में दुनिया भर के एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी दोस्तों 27 जून को आपके निजी सिनेमाघरों में मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर इस मूवी को एक बार तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े कलाकार भी देखने को मिलने वाले हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को दोस्तों निजी सिनेमाघरों में जाकर एक बार ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कल्कि मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल्कि मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी हाल ही में तो रिलीज नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों ये मूवी रिलीज कर दी जाएगी 27 जून 2024 को। जी हाँ दोस्तों, 27 जून 2024 को ये मूवी आपके निजी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये एक साईफाई एंड एक्शन मूवी कल्कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों नाग अश्विन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इतने बड़े डायरेक्टर दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्रभास है, कमल हासन है, अमिताभ बच्चन है, दीपिका पादुकोण है, दुलकुएर सलमान है, दिशा पटानी, राणा दग्गुबाटी, अन्ना बेन नयाबरलम, शाश्वता चटर्जी, कीर्ति सुरेश, अनंत विधात शर्मा, हिमांशु जेकर, कमल सदाना, मांडवा साई कुमार, पशुपति, गौरव चोपड़ा, ब्रह्मानंदम, प्रभा,
आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन है इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं रहने वाली है। मूवी की दोस्तों कुल टाइम लेंथ रहने वाली है 2 घंटे 50 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 600 करोड़ के आसपास में दोस्तों ये मूवी बनाई जा रही है। तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं इस मूवी में 600 करोड़ के आसपास का बजट लगाया जा रहा है, तो ये किस तरह की मूवी होने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी के दोस्तों ट्रेलर्स भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स निकाल के ला रहे हैं। दोस्तों लोग बाग मूवी के ट्रेलर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। फरवरी 2020 में पहली बार घोषित की गई कल्कि के निर्माण को कोविड-19 महामारी के कारण 1 साल की देरी का सामना करना पड़ा। फिल्मांकन अत्यंत जुलाई 2021 में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक भविष्य के सेट पर शुरू हुआ और मार्च 2024 में समाप्त होने से पहले अगले 3 वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से जारी रहा। 600 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी कल्कि सबसे महंगी भारतीय फिल्में से एक होने वाली है। इसका संगीत संतोष नारायणन ने दिया है, छायांकन जोडेर्ज स्टोजिल कोविक ने किया है, प्रोडक्शन डिजाइन नितिन जियानी चौधरी ने किया है और संपादन कोटागिरी वेंकटेश राव ने किया है। कल मूवी को शुरू में 9 मई 2024 को रिलीज किया जा रहा था दोस्तों, लेकिन 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण स्थगित कर दिया गया। अब इसे 27 जून 2024 को आईमैक्स और अन्य फिल्म प्रोपोरों में दुनिया भर के एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी दोस्तों 27 जून को आपके निजी सिनेमाघरों में मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े कलाकार भी देखने को मिलने वाले हैं। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को दोस्तों निजी सिनेमाघरों में जाकर एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कल्कि मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल्कि मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी हाल ही में तो रिलीज नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों ये मूवी रिलीज कर दी जाएगी 27 जून 2024 को। जी हाँ दोस्तों 27 जून 2024 को ये मूवी आपके निजी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये एक साईफाई एंड एक्शन मूवी कल्कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों नाग अश्विन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं।
आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इतने बड़े डायरेक्टर दोस्त इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्रभास है, कमल हासन है, अमिताभ बच्चन है, दीपिका पादुकोण है, दुलकुएर सलमान है, दिशा पटानी, राणा दग्गुबाटी, अन्ना बेन नयाबरलमम, शाश्वता चटर्जी, कीर्ति सुरेश, अनंत विधात शर्मा, हिमांशु जेकर, कमल सदाना, मांडवा साई कुमार, पशुपति, गौरव चोपड़ा, ब्रह्मानंदम, प्रभा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं रहने वाली है। मूवी की दोस्तों कुल टाइम लेंथ रहने वाली है 2 घंटे 50 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 600 करोड़ के आसपास में दोस्तों ये मूवी बनाई जा रही है, तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं इस मूवी में 600 करोड़ के आसपास का बजट लगाया जा रहा है, तो ये किस तरह की मूवी होने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी के दोस्तों ट्रेलर्स भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स निकाल के ला रहे हैं। दोस्तों लोग बाग मूवी के ट्रेलर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। फरवरी 2020 में पहली बार घोषित की गई कल्कि के निर्माण को कोविड-19 महामारी के कारण 1 साल की देरी का सामना करना पड़ा। फिल्मांकन अत्यंत जुलाई 2021 में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक भविष्य के सेट पर शुरू हुआ और मार्च 2024 में समाप्त होने से पहले अगले 3 वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से जारी रहा। 600 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी कल्कि सबसे महंगी भारतीय फिल्में से एक होने वाली है। इसका संगीत संतोष नारायणन ने दिया है, छायांकन जोडेर्ज स्टोजिल कोविक ने किया है, प्रोडक्शन डिजाइन नितिन जियानी चौधरी ने किया है और संपादन कोटागिरी वेंकटेश राव ने किया है। कल मूवी को शुरू में 9 मई 2024 को रिलीज किया जा रहा था दोस्तों, लेकिन 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण स्थगित कर दिया गया। अब इसे 27 जून 2024 को आईमैक्स और अन्य फिल्म प्रोपोरों में दुनिया भर के एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी दोस्तों 27 जून को आपके निजी सिनेमाघरों में मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े कलाकार भी देखने को मिलने वाले हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को दोस्तों निजी सिनेमाघरों में जाकर एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कल्कि मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल्कि मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को।
तो दोस्तों ये मूवी हाल ही में तो रिलीज नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों ये मूवी रिलीज कर दी जाएगी 27 जून 2024 को। जी हाँ दोस्तों, 27 जून 2024 को ये मूवी आपके निजी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये एक साईफाई एंड एक्शन मूवी कल की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों नाग अश्विन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इतने बड़े डायरेक्टर दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्रभास है, कमल हासन है, अमिताभ बच्चन है, दीपिका पादुकोण है, दुलकुएर सलमान है, दिशा पटानी, राणा दग्गुबाटी, अन्ना बेन नयाबरलमम, शाश्वता चटर्जी, कीर्ति सुरेश, अनंत विधात शर्मा, हिमांशु जेकर, कमल सदाना, मांडवा साई कुमार, पशुपति, गौरव चोपड़ा, ब्रह्मानंदम, प्रभा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं रहने वाली है। मूवी की दोस्तों कुल टाइम लेंथ रहने वाली है 2 घंटे 50 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 600 करोड़ के आसपास में दोस्तों ये मूवी बनाई जा रही है, तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं इस मूवी में 600 करोड़ के आसपास का बजट लगाया जा रहा है, तो ये किस तरह की मूवी होने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी के दोस्तों ट्रेलर्स भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स निकाल के ला रहे हैं, दोस्तों लोग बाग मूवी के ट्रेलर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। फरवरी 2020 में पहली बार घोषित की गई कल्कि के निर्माण को कोविड-19 महामारी के कारण 1 साल की देरी का सामना करना पड़ा। फिल्मांकन अत्यंत जुलाई 2021 में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक भविष्य के सेट पर शुरू हुआ और मार्च 2024 में समाप्त होने से पहले अगले 3 वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से जारी रहा। 600 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी कल्कि सबसे महंगी भारतीय फिल्में से एक होने वाली है। इसका संगीत संतोष नारायणन ने दिया है, छायांकन जोडेर्ज स्टोजिल कोविक ने किया है, प्रोडक्शन डिजाइन नितिन जियानी चौधरी ने किया है और संपादन कोटागिरी वेंकटेश राव ने किया है। कल मूवी को शुरू में 9 मई 2024 को रिलीज किया जा रहा था दोस्तों, लेकिन 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण स्थगित कर दिया गया। अब इसे 27 जून 2024 को आईमैक्स और अन्य फिल्म प्रोपोरों में दुनिया भर के एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी दोस्तों 27 जून को आपके निजी सिनेमाघरों में मूवी आपको देखने को मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े कलाकार भी देखने को मिलने वाले हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को दोस्तों निजी सिनेमाघरों में जाकर एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं,
तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कल की मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल की मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी हाल ही में तो रिलीज नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों ये मूवी रिलीज कर दी जाएगी 27 जून 2024 को। जी हाँ दोस्तों, 27 जून 2024 को ये मूवी आपके निजी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये एक साईफाई एंड एक्शन मूवी कल की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों नाग अश्विन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इतने बड़े डायरेक्टर दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्रभास है, कमल हासन है, अमिताभ बच्चन है, दीपिका पादुकोण है, दुलकुएर सलमान है, दिशा पटानी, राणा दग्गुबाटी, अन्ना बेन नयाबरलमम, शाश्वता चटर्जी, कीर्ति सुरेश, अनंत विधात शर्मा, हिमांशु जेकर, कमल सदाना, मांडवा साई कुमार, पशुपति, गौरव चोपड़ा, ब्रह्मानंदम, प्रभा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन है इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं रहने वाली है। मूवी की दोस्तों कुल टाइम लेंथ रहने वाली है 2 घंटे 50 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 600 करोड़ के आसपास में दोस्तों ये मूवी बनाई जा रही है, तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं इस मूवी में 600 करोड़ के आसपास का बजट लगाया जा रहा है, तो ये किस तरह की मूवी होने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी के दोस्तों ट्रेलर्स भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स निकाल के ला रहे हैं, दोस्तों लोग बाग मूवी के ट्रेलर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। फरवरी 2020 में पहली बार घोषित की गई कल्कि के निर्माण को कोविड-19 महामारी के कारण एक साल की देरी का सामना करना पड़ा। फिल्मांकन अत्यंत जुलाई 2021 में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक भविष्य के सेट पर शुरू हुआ और मार्च 2024 में समाप्त होने से पहले अगले 3 वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से जारी रहा। 600 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी कल्कि सबसे महंगी भारतीय फिल्में से एक होने वाली है। इसका संगीत संतोष नारायणन ने दिया है, छायांकन जोडेर्ज स्टोजिल कोविक ने किया है, प्रोडक्शन डिजाइन नितिन जियानी चौधरी ने किया है और संपादन कोटागिरी वेंकटेश राव ने किया है। कल मूवी को शुरू में 9 मई 2024 को रिलीज किया जा रहा था दोस्तों, लेकिन
2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण स्थगित कर दिया गया। अब इसे 27 जून 2024 को आईमैक्स और अन्य फिल्म प्रोपोरों में दुनिया भर के एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी दोस्तों 27 जून को आपके निजी सिनेमाघरों में मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर इस मूवी को एक बार तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े कलाकार भी देखने को मिलने वाले हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को दोस्तों निजी सिनेमाघरों में जाकर एक बार ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कल की मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल की मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी हाल ही में तो रिलीज नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों ये मूवी रिलीज कर दी जाएगी 27 जून 2024 को। जी हाँ दोस्तों 27 जून 2024 को ये मूवी आपके निजी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये एक साईफाई एंड एक्शन मूवी कल की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों नाग अश्विन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इन्हें बड़े डायरेक्टर दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्रभास है, कमल हासन है, अमिताभ बच्चन है, दीपिका पादुकोण है, दुलकुएर सलमान है, दिशा पटानी, राणा दग्गुबाटी, अन्ना बेन नयाबरलमम, शाश्वता चटर्जी, कीर्ति सुरेश, अनंत विधात शर्मा, हिमांशु जेकर, कमल सदाना, मांडवा साई कुमार, पशुपति, गौरव चोपड़ा, ब्रह्मानंदम, प्रभा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन है इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं रहने वाली है। मूवी की दोस्तों कुल टाइम लेंथ रहने वाली है 2 घंटे 50 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 600 करोड़ के आसपास में दोस्तों ये मूवी बनाई जा रही है, तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं इस मूवी में 600 करोड़ के आसपास का बजट लगाया जा रहा है, तो ये किस तरह की मूवी होने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी के दोस्तों ट्रेलर्स भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स निकाल के ला रहे हैं, दोस्तों लोग बाग मूवी के ट्रेलर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। फरवरी 2020 में पहली बार घोषित की गई कल्कि के निर्माण को कोविड-19 महामारी के कारण एक साल की देरी का सामना करना पड़ा। फिल्मांकन अत्यंत जुलाई 2021 में हैदराबाद
कि रामोजी फिल्म सिटी में एक भविष्य के सेट पर शुरू हुआ और मार्च 2024 में समाप्त होने से पहले अगले 3 वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से जारी रहा। 600 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी कल्कि सबसे महंगी भारतीय फिल्में से एक होने वाली है। इसका संगीत संतोष नारायणन ने दिया है, छायांकन जोडेर्ज स्टोजिल कोविक ने किया है, प्रोडक्शन डिजाइन नितिन जियानी चौधरी ने किया है और संपादन कोटागिरी वेंकटेश राव ने किया है। कल मूवी को शुरू में 9 मई 2024 को रिलीज किया जा रहा था दोस्तों, लेकिन 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण स्थगित कर दिया गया। अब इसे 27 जून 2024 को आईमैक्स और अन्य फिल्म प्रोपोरों में दुनिया भर के एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी दोस्तों 27 जून को आपके निजी सिनेमाघरों में मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर इस मूवी को एक बार तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े कलाकार भी देखने को मिलने वाले हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को दोस्तों निजी सिनेमाघरों में जाकर एक बार ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कल की मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल की मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी हाल ही में तो रिलीज नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों ये मूवी रिलीज कर दी जाएगी 27 जून 2024 को। जी हाँ दोस्तों, 27 जून 2024 को ये मूवी आपके निजी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये एक साईफाई एंड एक्शन मूवी कल की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों नाग अश्विन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इतने बड़े डायरेक्टर दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्रभास, कमल हासन, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, दुलकुएर सलमान, दिशा पटानी, राणा दग्गुबाटी, अन्ना बेन नयाबरलम, शाश्वता चटर्जी, कीर्ति सुरेश, अनंत विधात शर्मा, हिमांशु जेकर, कमल सदाना, मांडवा साई कुमार, पशुपति, गौरव चोपड़ा, ब्रह्मानंदम, प्रभा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं रहने वाली है। मूवी की दोस्तों कुल टाइम लेंथ रहने वाली है 2 घंटे 50 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा।
और दोस्तों 600 करोड़ के आसपास में दोस्तों ये मूवी बनाई जा रही है। तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं, इस मूवी में 600 करोड़ के आसपास का बजट लगाया जा रहा है, तो ये किस तरह की मूवी होने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी के दोस्तों ट्रेलर्स भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स निकाल के ला रहे हैं। दोस्तों लोग बाग मूवी के ट्रेलर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। फरवरी 2020 में पहली बार घोषित की गई कल्कि के निर्माण को कोविड-19 महामारी के कारण एक साल की देरी का सामना करना पड़ा। फिल्मांकन अत्यंत जुलाई 2021 में हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में एक भविष्य के सेट पर शुरू हुआ और मार्च 2024 में समाप्त होने से पहले अगले 3 वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से जारी रहा। 600 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी कल्कि सबसे महंगी भारतीय फिल्में से एक होने वाली है। इसका संगीत संतोष नारायणन ने दिया है, छायांकन जोडेर्ज स्टोजिल कोविक ने किया है, प्रोडक्शन डिजाइन नितिन जियानी चौधरी ने किया है और संपादन कोटागिरी वेंकटेश राव ने किया है। कल मूवी को शुरू में 9 मई 2024 को रिलीज किया जा रहा था दोस्तों, लेकिन 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण स्थगित कर दिया गया। अब इसे 27 जून 2024 को आईमैक्स और अन्य फिल्म प्रोपोरों में दुनिया भर के एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी दोस्तों 27 जून को आपके निजी सिनेमाघरों में मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर इस मूवी को एक बार तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े कलाकार भी देखने को मिलने वाले हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को दोस्तों निजी सिनेमाघरों में जाकर एक बार ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कल्कि मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल्कि मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी हाल ही में तो रिलीज नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों ये मूवी रिलीज कर दी जाएगी 27 जून 2024 को। जी हाँ दोस्तों 27 जून 2024 को ये मूवी आपके निजी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये एक साईफाई एंड एक्शन मूवी कल्कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों नाग अश्विन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इतने बड़े डायरेक्टर दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्रभास, कमल हासन, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, दुलकुएर सलमान, दिशा पटानी, राणा दग्गुबाटी, अन्ना बेन नयाबरलम, शाश्वता चटर्जी, कीर्ति सुरेश, अनंत विधात शर्मा, हिमांशु जेकर, कमल सदाना, मांडवा साई कुमार, पशुपति, गौरव चोपड़ा, ब्रह्मानंदम,
प्रभा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन है इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं रहने वाली है। मूवी की दोस्तों कुल टाइम लेंथ रहने वाली है 2 घंटे 50 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 600 करोड़ के आसपास में दोस्तों ये मूवी बनाई जा रही है। तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं इस मूवी में 600 करोड़ के आसपास का बजट लगाया जा रहा है, तो ये किस तरह की मूवी होने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी के दोस्तों ट्रेलर्स भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स निकाल के ला रहे हैं। दोस्तों लोग बाग मूवी के ट्रेलर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। फरवरी 2020 में पहली बार घोषित की गई कल्कि के निर्माण को कोविड-19 महामारी के कारण 1 साल की देरी का सामना करना पड़ा। फिल्मांकन अत्यंत जुलाई 2021 में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक भविष्य के सेट पर शुरू हुआ और मार्च 2024 में समाप्त होने से पहले अगले 3 वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से जारी रहा। 600 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी कल्कि सबसे महंगी भारतीय फिल्में से एक होने वाली है। इसका संगीत संतोष नारायणन ने दिया है, छायांकन जोडेर्ज स्टोजिल कोविक ने किया है, प्रोडक्शन डिजाइन नितिन जियानी चौधरी ने किया है और संपादन कोटागिरी वेंकटेश राव ने किया है। कल मूवी को शुरू में 9 मई 2024 को रिलीज किया जा रहा था दोस्तों, लेकिन 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण स्थगित कर दिया गया। अब इसे 27 जून 2024 को आईमैक्स और अन्य फिल्म प्रोपोरों में दुनिया भर के एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी दोस्तों 27 जून को आपके निजी सिनेमाघरों में मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े कलाकार भी देखने को मिलने वाले हैं। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को दोस्तों निजी सिनेमाघरों में जाकर एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कल्कि मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल्कि मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी हाल ही में तो रिलीज नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों ये मूवी रिलीज कर दी जाएगी 27 जून 2024 को। जी हाँ दोस्तों 27 जून 2024 को ये मूवी आपके निजी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये एक साईफाई एंड एक्शन मूवी कल्कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों नाग अश्विन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं।
आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इतने बड़े डायरेक्टर दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्रभास है, कमल हासन है, अमिताभ बच्चन है, दीपिका पादुकोण है, दुलकुएर सलमान है, दिशा पटानी, राणा दग्गुबाटी, अन्ना बेन नयाबरलमम, शाश्वता चटर्जी, कीर्ति सुरेश, अनंत विधात शर्मा, हिमांशु जेकर, कमल सदाना, मांडवा साई कुमार, पशुपति, गौरव चोपड़ा, ब्रह्मानंदम, प्रभा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन है इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं रहने वाली है। मूवी की दोस्तों कुल टाइम लेंथ रहने वाली है 2 घंटे 50 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 600 करोड़ के आसपास में दोस्तों ये मूवी बनाई जा रही है। तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं इस मूवी में 600 करोड़ के आसपास का बजट लगाया जा रहा है, तो ये किस तरह की मूवी होने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी के दोस्तों ट्रेलर्स भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स निकाल के ला रहे हैं। दोस्तों लोग बाग मूवी के ट्रेलर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। फरवरी 2020 में पहली बार घोषित की गई कल्कि के निर्माण को कोविड-19 महामारी के कारण 1 साल की देरी का सामना करना पड़ा। फिल्मांकन अत्यंत जुलाई 2021 में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक भविष्य के सेट पर शुरू हुआ और मार्च 2024 में समाप्त होने से पहले अगले 3 वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से जारी रहा। 600 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी कल्कि सबसे महंगी भारतीय फिल्में से एक होने वाली है। इसका संगीत संतोष नारायणन ने दिया है, छायांकन जोडेर्ज स्टोजिल कोविक ने किया है, प्रोडक्शन डिजाइन नितिन जियानी चौधरी ने किया है और संपादन कोटागिरी वेंकटेश राव ने किया है। कल मूवी को शुरू में 9 मई 2024 को रिलीज किया जा रहा था दोस्तों, लेकिन 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण स्थगित कर दिया गया। अब इसे 27 जून 2024 को आईमैक्स और अन्य फिल्म प्रोपोरों में दुनिया भर के एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी दोस्तों 27 जून को आपके निजी सिनेमाघरों में मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े कलाकार भी देखने को मिलने वाले हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को दोस्तों निजी सिनेमाघरों में जाकर एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कल की मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल की मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है,
तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी हाल ही में तो रिलीज नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों ये मूवी रिलीज कर दी जाएगी 27 जून 2024 को। जी हाँ दोस्तों, 27 जून 2024 को ये मूवी आपके निजी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये एक साईफाई एंड एक्शन मूवी कल की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों नाग अश्विन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इतने बड़े डायरेक्टर दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्रभास है, कमल हासन है, अमिताभ बच्चन है, दीपिका पादुकोण है, दुलकुएर सलमान है, दिशा पटानी, राणा दग्गुबाटी, अन्ना बेन नयाबरलमम, शाश्वता चटर्जी, कीर्ति सुरेश, अनंत विधात शर्मा, हिमांशु जेकर, कमल सदाना, मांडवा साई कुमार, पशुपति, गौरव चोपड़ा, ब्रह्मानंदम, प्रभा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन है इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं रहने वाली है। मूवी की दोस्तों कुल टाइम लेंथ रहने वाली है 2 घंटे 50 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 600 करोड़ के आसपास में दोस्तों ये मूवी बनाई जा रही है, तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं इस मूवी में 600 करोड़ के आसपास का बजट लगाया जा रहा है, तो ये किस तरह की मूवी होने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी के दोस्तों ट्रेलर्स भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स निकाल के ला रहे हैं, दोस्तों लोग बाग मूवी के ट्रेलर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। फरवरी 2020 में पहली बार घोषित की गई कल्कि के निर्माण को कोविड-19 महामारी के कारण एक साल की देरी का सामना करना पड़ा। फिल्मांकन अत्यंत जुलाई 2021 में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक भविष्य के सेट पर शुरू हुआ और मार्च 2024 में समाप्त होने से पहले अगले 3 वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से जारी रहा। 600 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी कल्कि सबसे महंगी भारतीय फिल्में से एक होने वाली है। इसका संगीत संतोष नारायणन ने दिया है, छायांकन जोडेर्ज स्टोजिल कोविक ने किया है, प्रोडक्शन डिजाइन नितिन जियानी चौधरी ने किया है और संपादन कोटागिरी वेंकटेश राव ने किया है। कल मूवी को शुरू में 9 मई 2024 को रिलीज किया जा रहा था दोस्तों, लेकिन 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण स्थगित कर दिया गया। अब इसे 27 जून 2024 को आईमैक्स और अन्य फिल्म प्रोपोरों में दुनिया भर के एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी दोस्तों 27 जून को आपके निजी सिनेमाघरों में मूवी आपको देखने को मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े कलाकार भी देखने को मिलने वाले हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को दोस्तों निजी सिनेमाघरों में जाकर एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ,
और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कल की मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल की मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी हाल ही में तो रिलीज नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों ये मूवी रिलीज कर दी जाएगी 27 जून 2024 को। जी हाँ दोस्तों 27 जून 2024 को ये मूवी आपके निजी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये एक साईफाई एंड एक्शन मूवी कल की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों नाग अश्विन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इतने बड़े डायरेक्टर दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्रभास है, कमल हासन है, अमिताभ बच्चन है, दीपिका पादुकोण है, दुलकुएर सलमान है, दिशा पटानी, राणा दग्गुबाटी, अन्ना बेन नयाबरलम, शाश्वता चटर्जी, कीर्ति सुरेश, अनंत विधात शर्मा, हिमांशु जेकर, कमल सदाना, मांडवा साई कुमार, पशुपति, गौरव चोपड़ा, ब्रह्मानंदम, प्रभा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन है इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं रहने वाली है, मूवी की दोस्तों कुल टाइम लेंथ रहने वाली है 2 घंटे 50 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 600 करोड़ के आसपास में दोस्तों ये मूवी बनाई जा रही है, तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं इस मूवी में 600 करोड़ के आसपास का बजट लगाया जा रहा है, तो ये किस तरह की मूवी होने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी के दोस्तों ट्रेलर्स भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स निकाल के ला रहे हैं, दोस्तों लोग बाग मूवी के ट्रेलर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। फरवरी 2020 में पहली बार घोषित की गई कल्कि के निर्माण को कोविड-19 महामारी के कारण एक साल की देरी का सामना करना पड़ा। फिल्मांकन अत्यंत जुलाई 2021 में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक भविष्य के सेट पर शुरू हुआ और मार्च 2024 में समाप्त होने से पहले अगले 3 वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से जारी रहा। 600 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी कल्कि सबसे महंगी भारतीय फिल्में से एक होने वाली है। इसका संगीत संतोष नारायणन ने दिया है, छायांकन जोडेर्ज स्टोजिल कोविक ने किया है, प्रोडक्शन डिजाइन नितिन जियानी चौधरी ने किया है और संपादन कोटागिरी वेंकटेश राव ने किया है। कल मूवी को शुरू में 9 मई 2024 को रिलीज किया जा रहा था दोस्तों, लेकिन 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण स्थगित कर दिया गया।
अब इसे 27 जून 2024 को आईमैक्स और अन्य फिल्म प्रोपोरों में दुनिया भर के एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी दोस्तों 27 जून को आपके निजी सिनेमाघरों में मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े कलाकार भी देखने को मिलने वाले हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को दोस्तों निजी सिनेमाघरों में जाकर एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कल की मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल की मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी हाल ही में तो रिलीज नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों ये मूवी रिलीज कर दी जाएगी 27 जून 2024 को। जी हाँ दोस्तों 27 जून 2024 को ये मूवी आपके निजी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये एक साईफाई एंड एक्शन मूवी कल की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों नाग अश्विन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इतने बड़े डायरेक्टर दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्रभास है, कमल हासन है, अमिताभ बच्चन है, दीपिका पादुकोण है, दुलकुएर सलमान है, दिशा पटानी, राणा दग्गुबाटी, अन्ना बेन नयाबरलमम, शाश्वता चटर्जी, कीर्ति सुरेश, अनंत विधात शर्मा, हिमांशु जेकर, कमल सदाना, मांडवा साई कुमार, पशुपति, गौरव चोपड़ा, ब्रह्मानंदम, प्रभा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन है इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं रहने वाली है। मूवी की दोस्तों कुल टाइम लेंथ रहने वाली है 2 घंटे 50 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 600 करोड़ के आसपास में दोस्तों ये मूवी बनाई जा रही है, तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं इस मूवी में 600 करोड़ के आसपास का बजट लगाया जा रहा है, तो ये किस तरह की मूवी होने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी के दोस्तों ट्रेलर्स भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स निकाल के ला रहे हैं, दोस्तों लोग बाग मूवी के ट्रेलर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। फरवरी 2020 में पहली बार घोषित की गई कल्कि के निर्माण को कोविड-19 महामारी के कारण एक साल की देरी का सामना करना पड़ा। फिल्मांकन अत्यंत जुलाई 2021 में हैदराबाद
कि रामोजी फिल्म सिटी में एक भविष्य के सेट पर शुरू हुआ और मार्च 2024 में समाप्त होने से पहले अगले 3 वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से जारी रहा। 600 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी कल्कि सबसे महंगी भारतीय फिल्में से एक होने वाली है। इसका संगीत संतोष नारायणन ने दिया है, छायांकन जोडेर्ज स्टोजिल कोविक ने किया है, प्रोडक्शन डिजाइन नितिन जियानी चौधरी ने किया है और संपादन कोटागिरी वेंकटेश राव ने किया है। कल मूवी को शुरू में 9 मई 2024 को रिलीज किया जा रहा था दोस्तों, लेकिन 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण स्थगित कर दिया गया। अब इसे 27 जून 2024 को आईमैक्स और अन्य फिल्म प्रोपोरों में दुनिया भर के एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी दोस्तों 27 जून को आपके निजी सिनेमाघरों में मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर इस मूवी को एक बार तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े कलाकार भी देखने को मिलने वाले हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को दोस्तों निजी सिनेमाघरों में जाकर एक बार ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी कल की मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल की मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी हाल ही में तो रिलीज नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों ये मूवी रिलीज कर दी जाएगी 27 जून 2024 को। जी हाँ दोस्तों 27 जून 2024 को ये मूवी आपके निजी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये एक साईफाई एंड एक्शन मूवी कल की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों नाग अश्विन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इतने बड़े डायरेक्टर दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्रभास, कमल हासन, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, दुलकुएर सलमान, दिशा पटानी, राणा दग्गुबाटी, अन्ना बेन नयाबरलम, शाश्वता चटर्जी, कीर्ति सुरेश, अनंत विधात शर्मा, हिमांशु जेकर, कमल सदाना, मांडवा साई कुमार, पशुपति, गौरव चोपड़ा, ब्रह्मानंदम, प्रभा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, इतने बड़े बड़े कलाकार दोस्तों आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें अगर दोस्तों अब अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं रहने वाली है, मूवी की दोस्तों कुल टाइम लेंथ रहने वाली है 2 घंटे 50 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा।
और दोस्तों 600 करोड़ के आसपास में दोस्तों ये मूवी बनाई जा रही है। तो दोस्तों आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं, इस मूवी में 600 करोड़ के आसपास का बजट लगाया जा रहा है, तो ये किस तरह की मूवी होने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस मूवी के दोस्तों ट्रेलर्स भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स निकाल के ला रहे हैं। दोस्तों लोग बाग मूवी के ट्रेलर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। फरवरी 2020 में पहली बार घोषित की गई कल्कि के निर्माण को कोविड-19 महामारी के कारण एक साल की देरी का सामना करना पड़ा। फिल्मांकन अत्यंत जुलाई 2021 में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक भविष्य के सेट पर शुरू हुआ और मार्च 2024 में समाप्त होने से पहले अगले 3 वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से जारी रहा। 600 करोड़ के प्रोडक्शन बजट पर बनी कल्कि सबसे महंगी भारतीय फिल्में से एक होने वाली है। इसका संगीत संतोष नारायणन ने दिया है, छायांकन जोडेर्ज स्टोजिल कोविक ने किया है, प्रोडक्शन डिजाइन नितिन जियानी चौधरी ने किया है और संपादन कोटागिरी वेंकटेश राव ने किया है। कल मूवी को शुरू में 9 मई 2024 को रिलीज किया जा रहा था दोस्तों, लेकिन 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण स्थगित कर दिया गया। अब इसे 27 जून 2024 को आईमैक्स और अन्य फिल्म प्रोपोरों में दुनिया भर के एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी दोस्तों 27 जून को आपके निजी सिनेमाघरों में मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर इस मूवी को एक बार तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी में दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े कलाकार भी देखने को मिलने वाले हैं, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को दोस्तों निजी सिनेमाघरों में जाकर एक बार ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।